अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल अलमी में एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है और मैं हूँ सफी मकड़ा। हम जो है बहुत ही खूबसूरत बगरे जो एक समझ लीजिए पीपाड़ को टक्कर देने वाला एरिया है वोट नगर के अंदर में आजवा गोट फार्म पर सुफियान भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सुफियान भाई कुछ छोटे बकरे लेकर आए लेकिन क्वालिटी वही की वही जी। क्वालिटी देखिए, क्वालिटी में कोई सुफियान भाई हमारा इंशाल्लाह जितने भी बकरे हैं अभी क्वालिटी में इंशाल्लाह कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और ये कम वजन के भी, इसके लिए सुफियान भाई हम हर रेंज रखते हैं क्योंकि हर बजट के लोग कुर्बानी करने वाले लोग रहते हैं। जैसे कि इससे पहला हमारा वीडियो आया वो बकरे जो है 80-90 केजी के अराउंड जाने वाले बकरे ईद पर, तो वो उनका बजट हो रहा है 48,000 लेकिन किसी को कम बजट चाहिए, क्वालिटी वही जी, वजन कम तो आपका बजट कम जी, बिल्कुल सिंपल फंडा है। चलिए माशाल्लाह देख सकते हैं कितने बकरे होंगे ये रिटेल प्राइस में, रिटेल के अंदर में सुफियान भाई तकरीबन 24-25 बकरे हैं। ये 24-25 बकरे हैं, आप सिंगल डबल कोई भी ले सकते हैं। हाँ जी। ओके, बहुत सारे खूबसूरत बकरे हैं। सुफियान भाई मैंने सुना उन लोगों का एक रूमर्स भी चल रहा है हमारे अंदर में, आई मीन के सूरत के अंदर में, कि भाई 450 रुपए बकरे बेच रहे हैं। सुफियान भाई देखो एक चीज बात, एक जगह पे मैंने कहीं लिखा हुआ पढ़ा था कि अच्छी चीज सस्ते दामों में नहीं खरीद सकते, यानी हर चीज में क्वालिटी का रेट रहता है सुफियान भाई। 450 वाली क्वालिटी जो है वो जो भाई जो भी बेच रहे हैं भाई, देखो हर एक का सुफियान भाई धंधा करने का एक खुद का माल है, खुद का माल है, लेकिन अगर उन्हीं वही फार्मरों के वीडियो देखो जो 700 वाला माल है वो मैं 550-570 में दे रहा हूँ। मैं वही एग्जैक्टली सुफियान भाई मेरा बताने का मतलब है कि जो 450 का बोल रहे हैं ना, लेकिन उनका जो टॉप क्वालिटी का माल है वो 700 रुपए, 700 रुपए है सुफियान भाई। आप 450 वाले का कंपेयर उसके साथ ना करें, ये माल का ये बकरे कुछ अलग है जी। ओके, क्वालिटी है जो चलक शाइनिंग, ये देख लीजिए आप, इनमें से एक भी बकरा ऐसा नहीं है जिसको आप ये बकरा खड़ा हो देखो, ये बकरा तो भाई बहुत खूबसूरत आला उमदा क्वालिटी सारे बकरों की अच्छी है। ये नंग सिर्फ जो है 24 है ये साइज के अंदर में, और भी रहेंगे वो अलग लॉट में वीडियो आते रहेंगे। सुफियान भाई इसका सेम स्कीम प्राइस हमारा जो है वो हम बता रहे हैं 570 ईएमआई पे जी, किस्तों पे, और 550 जो है कैश में। आपका बकरा जो है ईद तक कितने का होगा सुफियान भाई? ये सुफियान भाई ये तकरीबन आपका हो जाएगा 40,000 के आसपास का बकरा हो जाएगा, 40,000 के आसपास का हो जाएगा। वजन जाएगा 70-75 पकड़ के चलते हैं, यहाँ से 30-35 किलो बढ़ बकरे, यही बकरे हमने गए साल 600 रुपए किलो से बेचे हैं और इस साल भी मार्केट 600-600 प्लस जाने वाला है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जाएगा। क्योंकि देखो सुफियान भाई हम लोग खुद फार्मर हैं, हम लोग बकरे पालते हैं, इसकी कॉस्टिंग क्या बैठ रही है, दाना क्या रेट आ रहा है, इसका चारा क्या रेट आ रहा है, हर साल भाव अप होता जा रहा है और ये चीज को पब्लिक समझती है। खाली बकरों की बात नहीं है, घर की चीजों में भी आप देख लो हर चीज का भाव अप होते जा रहा है, डाउन नहीं आ रहा है, डाउन नहीं, तो हमारे को भी फीडिंग कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। तो इस साल भी ये बकरे का भाव कम से कम 600 तो रहेगा, 600 प्लस की उम्मीद है, लेकिन अभी कोई बुक करता है किस्तों के ऊपर हफ्ता सिस्टम के ऊपर तो उसको 30 रुपए किलो पे तो ऐसा ही फायदा हो रहा है, और कोई कैश पेमेंट दे के कर रहा है तो 50 रुपए किलो पर फायदा हो रहा है सुफियान भाई। इन बिटवीन जो सेफ्टी कस्टमर ढूंढते हैं जैसे की मोर्टालिटी इंश्योरेंस हो गया तो वो भी आपको मिल जाएगा अगर आपका बकरा खराब होता है, यानी कि सिर्फ मोर्टालिटी मरने की बात नहीं है, बकरा अगर खराब होता है तक यहाँ तक गारंटी देते हैं कि बकरे ईद के अगर अपने क्या कहते हैं डिलीवरी के टाइम के ऊपर अगर बकरे को रसोली है, सुफियान भाई एक बात आपको बताऊं, रसोली ऐब नहीं है शरीयतन, यानी कुर्बानी के जानवर में रसोली ऐब नहीं है, लेकिन अगर उस वक्त बकरे को रसोली आ गई वो बकरा भी हम हटा देंगे कस्टमर। चलिए तो ये तो बहुत अच्छा है कि अगर ईद के टाइम पर भी आपके बकरे को रसोली भी होती है तो अभी वो बकरा हटा देंगे, आपको दूसरा बकरा देंगे, यानी आपको चॉइस देंगे। समझ के आदमी ले रहा है ना सुफियान भाई, उसका दिल किसी तरह टूटने नहीं देंगे हम। बिल्कुल सुफियान भाई, ये कुछ रंग तो इसमें से शायद 10-15 तो ऐसे है कि एकदम मेरे को बहुत पसंद आ गए, बहुत ही अच्छे बच्चे। ओके सुफियान भाई, ये एक चीज है, अगर इनमें एक ऑप्शन ये भी है कि कोई बंदा जो है पालने के शौकीन है उनके लिए भी अच्छी चीज है, अभी लेकर पाल सकते हैं, अभी अदंत है, ईद तक शायद 2 दांत करेंगे, 3 दांत 4 दांत मतलब जी, उससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता है कि बकरे जाएंगे। और एक अच्छे वजन पे आपको तब रेडी मिलेगा। ओके, उनको पल्टी करना हो तो पल्टी भी कर सकते हैं, पल्टी भी कर सकते हैं, यहाँ पर पलाई पे भी कर सकते हैं और लेके जाके भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी पाल सकते हैं, अपने यहाँ पे भी रख सकते हैं। ये बकरे अगर किसी को सुफियान भाई मैं तो बोलता हूँ ये 40-42 केजी तो हम लोग हमेशा बोलते हैं, पलाई के लिए सजेस्ट करते हैं। ये बकरा जब 1.5 साल 2025 के लिए रुक जाता है ना भाई, तो ये देखने जैसी चीजें हो जाती है। ये तो मैं चाहूंगा कि भाई ये तो मेरा कोई अलमीम का पलाई कस्टमर भी ले ले ये बकरा, लेकिन उसको हाँ ये वाला बकरा अरे खूबसूरती में बहुत जबरदस्त। सुफियान भाई ये भी कैश में जाएगा 550 में। हाँ जी, तो मैं तो चाहता हूँ कि ये मेरा अलमीम का कोई पलाई का बंदा खरीदे,
छोड़े पलाई पर इंशाल्लाह 1.5 साल यानी 2025 के लिए तो उनको चीज मिलेगी, बहुत खूबसूरत चीज है और पूरा पिंक के अंदर में। ओके सुफियान भाई, पालने में ये बकरों को लेकर मैं पालने में इसलिए बोल रहा हूँ कि सारे वैक्सीनाइज्ड जी, थोड़ा बीमारी से भी कंट्रोल मिल जाएगा। सुफियान भाई, हम लोग जब बकरे लाते हैं ना, उस वक्त अगर कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह उसका वीडियो बनाएंगे कि कितना बकरों के पीछे थकना पड़ता है। बिल्कुल, वैक्सीन करवाना, बकरों का खुर कटिंग, हेयर कटिंग, और यानी समझो कि हमारा तो यानी लाने के टाइम पे एक महीना ऐसा होता है कि सोना भी फार्म पर ही पड़ता है। बिल्कुल, बहुत मेहनत है इसमें, तो हम बहुत मेहनत के बाद ये बकरा तैयार होता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये एक बच्चा भी बहुत खूबसूरत है, ये एक कजला दोनों आंखों पर है, वो भी बहुत खूबसूरत है। आप कांटेक्ट कीजिएगा अजवा गोट फार्म का। सारे बकरे एक बार इधर भगा दो, जो इसमें से समझ आ गया है आपको आप स्क्रीनशॉट लेकर भेजे, या फिर जो है आपको पूरा इंडिविजुअल वीडियो सुफियान भाई से मिल जाएगा। चलिए, आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा अजवा गोट फार्म का। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच।